हेलो फ्रेंड्स, गर्मा गर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन लॉलीपॉप और ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने यहाँ पर एक चिकन विंग्स लिया है, अब इसको हम कट कर लेंगे। अब इस तरह से इस चिकन विंग्स को कट कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए, यहाँ से ऐसे कट लेना है और यहाँ पे हमने चिकन विंग्स को स्किन के साथ लिया है। स्किन के साथ लेने की रीजन क्या है कि इससे लॉलीपॉप बहुत ही सॉफ्ट रहता है, मतलब हट नहीं बनता है और जूसी रहता है। अगर आप स्किन निकल देंगे तो लॉलीपॉप हट हो जाएगी और फिर जूसी भी नहीं बनेगी और लॉलीपॉप बहुत ही छोटा बनेगी। अब चारों तरफ से ऐसे चाकू घुमा घुमा के इसे कट कर लेना है। फिर हाथों से ऐसे खींच के इसे उल्टा करना पड़ता है। तो देखिए बन गई है। अब मैं इसी तरीके से सब लॉलीपॉप्स को बना लूंगी। अब चलिए इसकी मसाले को बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल लिया है, इसमें मैं डाल रहा हूँ 3 टेबलस्पून मैदा। और साथ ही में क्रंचीनेस के लिए डाल रहा हूँ 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून विनीगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 अंडा लिया है। अंडे को अच्छे से बीट कर लेना है और फिर मसाले में डाल देना है। अब इन सारी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस वक्त मसाला आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ करीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा बेस तैयार हो गया है। अब हम इसमें सारे चिकन की पीसेस को डाल देंगे। और इन सारे चिकन की पीसेस को चम्मच से अच्छे से कोट कर लीजिए। अब चाहे तो अपने हाथों से भी कोट कर सकते हैं ताकि सारे चिकन के पीसेस जो है अच्छे से मैरिनेट हो जाए इस बेस के साथ। ये देखिए अच्छी सी कोटिंग आ गई है पूरे में। अब हम इसको 30 मिनट रेस्ट करने के लिए रखेंगे। 30 मिनट हो गया है।
अब देखिए ये मसाला जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है अंडे और मैदे की वजह से। बिल्कुल ऐसी ही हमें कोटिंग कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम तेल को मीडियम हाई फ्लेम में अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर मैं डालते जाऊंगी एक एक करके चिकन लॉलीपॉप। तो एक एक करके चिकन लॉलीपॉप डालते जाइए इस गर्म तेल में। बहुत ज़्यादा लॉलीपॉप एक साथ नहीं डालना है वरना क्या होगा कि आपस में चिपक जाएगा। और इसे फ्राई करेंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए या फिर जब तक बाहर अच्छे से क्रिस्पी कोटिंग ना आ जाए, आपको देख के पता चलेगा। और इसे ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि इसे हम आगे भी सॉस में पकाने ही वाले हैं। तो बस मैंने ये 3 मिनट के लिए पलटाया, थोड़ा सा फ्राई किया, ये देखिए ब्राउनिश इसमें आ गई है। तो इसको अब हम निकल लेंगे एक टिश्यू पेपर के ऊपर और इसी तरीके से सब लॉलीपॉप को हम फ्राई कर लेंगे। अब एक पैन में फिर से मैं डाल रहा हूँ 2 से 3 टेबलस्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून बारीक काटी हुई लहसुन। अब इसको फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून टोमेटो सॉस और डालेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। और 1 टेबलस्पून सोया सॉस। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फिर मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून पानी ताकि जो सॉस है वो एडजस्ट हो जाए। अब इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं सारे मसाले अच्छे से पक गया है। तो इस बग हम डाल देंगे सारे फ्राई किए हुए चिकन लॉलीपॉप को। तो सारे पीसेस इसमें डाल दीजिए और फिर इस लॉलीपॉप को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि सारे लॉलीपॉप जो है ना इस मसाले के साथ अच्छे से कोट हो जाए। ये देखिए कितना बढ़िया और कलरफुल दिख रहा है। मसाला एकदम अच्छे से कोट हो गया है लॉलीपॉप के ऊपर। इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राई है। बस 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। फिर मैं डाल रहा हूँ इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी चिकन लॉलीपॉप रेडी हो गई है। Thank you.
मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ, एकदम अच्छी सी कोटिंग आ गई है।